अगली बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी जानकारी, जयपुर दौरे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 2 जुलाई को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। ओवैसी और MD रोड इलाके में जनसभा को ओवैसी संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी इस दौरान शामिल रहेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की जयपुर से है। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी इस दौरान शामिल रहेंगे और जयपुर दौरे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी है। और MD रोड इलाके में जनसभा को ओवैसी संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल रहेंगे। रघुगौर संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुगौर, आपसे जानना चाहेंगे कि ओवैसी के इस दौरे को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम को लेकर के लगातार 5-6 दिन से तैयारियां चल रही थी, जो कि कर्बला मैदान या कि जनसभा रखी गई है। इस जनसभा के अंदर तमाम जो AIM के जो कार्यकर्ता है, लगातार जो यहाँ के जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, तो उनके लगातार दौरे कर रहे हैं। पदाधिकारी लगातार यहाँ पर जनताओं को एकत्रित करने के लिए जो टारगेट रखा गया था 1 लाख का, तो 1 लाख से ज्यादा संख्या बताई जा रही है कि 1 लाख से ज्यादा एकत्रित की जाएगी भीड़। तो आप देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी का जिस तरीके से जो उन्होंने वादा किया था, 20 चुनाव से पहले पार्टी की घोषणा कर देंगे, तो उन्होंने अब लगातार तैयारियां शुरू कर दी है और 40 विधानसभा सीटों पर अब चुनाव लड़ने जा रही है। और ऐसे में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस को इस चिंता इसलिए क्योंकि सेंधमारी यहाँ पर वोटों की हो सकती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी है, इससे पहले भी जयपुर के लगातार दौरे कर चुके हैं, कई सभाएं जनसभाएं कर चुके हैं, और इसका जो मुख्य टारगेट है वो है अल्पसंख्यक और बहुल आदिवासी क्षेत्रों का। लेकर इसमें जयपुर और धौलपुर की करौली ऐसे जिले आते हैं जहां पर बहुल आदिवासी इलाके भी हैं और अल्पसंख्यक की संख्या भी ज्यादा है। तो ऐसे में 40 विधानसभा सीटों को टारगेट रखा गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी अहम दौरे होंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का लगातार जो दौरा है वो बाड़मेर राजस्थान के जयपुर के सबसे ज्यादा अत्यधिक दौरे रहे हैं। तो लगातार इस दौरे से जो सियासी पार्टी के अंदर जो लगातार चल रही चर्चाओं के अंदर भी इस पर एक विषय चर्चाओं का है, क्योंकि पार्टी के अंदर जो असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो जनसभा करने के बाद यहाँ पर जिला अध्यक्षों की और कार्यकारिणी की घोषणा भी कर सकते हैं पार्टी के अंदर संगठनात्मक को लेकर के, क्योंकि अभी संगठनात्मक तौर पे देखा जाए तो अभी पदाधिकारी यहाँ पर नियुक्ति जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है, और ऐसे में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करना पार्टी के लिए एक प्रभावी भी होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार इसी पर निगाह बनाए हुए हैं। जब ये दौरा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी तो इस पर मोहर लगना वाजिब है। तो असदुद्दीन ओवैसी की इससे पहले भी लगातार इसको लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी होती रही है। पार्टी के तब जो एक दो जो वरिष्ठ नेता हैं जो दल के, तो उनसे भी बातचीत होती रही है। तो ऐसे में इस सभा के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी गुंजाइश दिखाई दे रही है, सुगबुगाहट दिखाई दे रही है कि कुछ कांग्रेस के नेता भी जो अल्पसंख्यक है वो इसमें पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं, जनसभा के अंदर घोषणा हो सकती है। असदुद्दीन ओवैसी जब यहाँ पर कर्बला मैदान यानी MD रोड के समीप जो जनसभा रखी गई है, इस जनसभा के अंदर मुख्य फोकस तमाम पार्टियों का भी रहेगा, क्योंकि हम देखते आए कि कांग्रेस हमेशा असदुद्दीन ओवैसी को घेरती रही है कि BJP के हमेशा समर्थन में ओवैसी लगातार मोर्चा खोलते रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना जो वक्तव्य है जाहिर करती रही है। अब देखना यह होगा कि जब जनसभा के अंदर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, इसमें कार्यकर्ताओं की किस प्रकार से भूमिका रहेगी। 200 विधानसभा सीटों के अंदर 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और बाकी क्या इनका महत्वपूर्ण कदम रहेगा ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय नेताओं का उपस्थित होना भी कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर सियासी मायने में काफी अहम भी होने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी लगातार जिस प्रकार से BJP चाहे कांग्रेस अलग अलग जो पार्टियां हैं दल लगातार सक्रिय भूमिका में है। और ऐसे में 5 महीने का समय बचा है, अक्टूबर के मध्य आचार संहिता भी लग जाएगी, इसी को ध्यान में रख करके प्रत्याशियों की जो सूची है वो भी जारी करनी बाकी है। परंतु जो सामने बात ये भी आ रही है कि जो असदुद्दीन ओवैसी है, कार्यकर्ताओं की जो लिस्ट है वो 1 महीने पहले जारी कर देंगे। अभी लगातार कार्यकर्ताओं के यानी वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, लगातार उनके संपर्क में भी है कुछ नेता, और बताया तो ये भी जा रहा है कि जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं
वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, यानी कांग्रेस में सेंधमारी हो सकती है, तो इसी को लेकर कांग्रेस में भी चिंता का विषय है। और वहीं बात की जाए तो आरएलपी बीटीपी तमाम जो पार्टियां हैं लगातार असदुद्दीन ओवैसी भी चर्चाओं का विषय रहा है यह राजस्थान के अंदर, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा एक बात कहते रहे हैं कि हमारा जो फोकस है 40 विधानसभा सीटों का है, और इन 40 विधानसभा सीटों में से अगर 20 से 25 सीट अगर असदुद्दीन ओवैसी को मिल जाती है तो आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि 2023 यानी इसी साल के बाद जो आगामी 2023 का जो प्लान रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा वो महत्वपूर्ण होगा। इसी को ध्यान में रखकर के सभी चीजें हैं जो सभी पार्टियां लगातार काम कर रही हैं, पर सबसे बड़ी निगाह है वो इस समय बीजेपी की, वो है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यक का जो लगातार जो प्रभाव है जयपुर और करौली धौलपुर सवाईमाधोपुर दौसा ये इन जिलों में ज्यादा प्रभावी रहा है। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी अगर चुनाव लड़ती है 40 विधानसभा सीटों पर तो ये फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। हम देखते हैं कि अक्सर अल्पसंख्यक के जो वोट है वो कांग्रेस में जाते हैं, तो यहाँ पर बंटाधार होना लाजमी है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। कुछ हमने जब यहाँ पर दौरे भी किए थे लगातार जनताओं के बीच में भी हमने जानना चाहा तो उन्होंने यही कहा था कि आपकी जो पार्टी का जो हम वोट है वो असदुद्दीन ओवैसी यानी एआईएम को भी करेंगे और आम आदमी पार्टी को करेंगे। तो इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से यहां पर तैयारियां कर ली गई है। रघु गौर आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मकराना में